हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादोन एंड बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर टू जब हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम के बारे में हम ऑलरेडी काफी चीज़ें कवर कर चुके हैं ये टेक्निकली हमारा थ्योरी कई तरीके से लास्ट पोर्शन होने वाला है जहां पर हम कवर कर करने वाले है, that, students, हैं जी एंड वेलफेयर बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैगनेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन अगर सी की बात करूँ तो किंडर से लेकर क्लास ट्वेल्व तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पर हम कवर करते हैं क्लासेस टू तो क्लास ट्वेल्थ और साथ ही में सिर्फ सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं, जैसे करतेम पी बोर्ड बोर्ड, बोर्ड बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड तो सारे ही कोर्सेज तो आपको यहां पर मिलने वाले वो भी फ्री सो विदाउट एनी फर्दर डू जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को ताकि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छे अच्छे वीडियो और कॉन्टेंट आप सभी के लिए हम लेके आते रहे राइट स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छी जर्नी कवर करके आ चुके हैं नेशनल इनकम की बहुत बड़ा चैप्टर था बहुत सारे हमने इसमें सीक्वेंसेस पढ़े सारे फॉर्मलेस पढ़े नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा कैसे कैलकुलेट करना है बहुत लंबी हमारी जर्नी रही है थ्योरी थोड़ वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिकल्स वगैरह अभी करने क्वेश्चन तो तो डिस्कसिंग अबाउट जीडीपी एंड वेलफेयर तो जीडीपी का थोड़ा डिस्कस कर चुके थे वाले सेशन में कि जीडीपी क्या होता है उसका क्या मीनिंग होता है, है ना? कैसे कैलकुलेट किया जाता है फिर हमने देखा था नॉर्मिनल जीडीपी क्या होता है रियल सारे कर्मोलॉजी हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके तो उम्मीद रखती हूँ कि वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और आपको जीडीपी का मतलब पता होगा तो अब रिविजन तो नहीं करना रहेगा कि करना रहेगा बताइए मुझे रिविजन करूं कि नहीं करूँ? देखो जीडीपी क्या होता है बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करते हैं फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का कि कितना है एक पर्टिकुलर ईयर में है ना वहीं पर नॉमिनल जी अलग होता है रियल जी अलग होता है रियल जी का मतलब होता है जब मैं बेस ईयर के प्राइसेस पे जी कैलकुलेट करती हूँ और वहीं पर नॉमिनल जी होता है जब मैं करंट ईयर के प्राइसेस पे जी को कैलकुलेट करती हूँ तो क्विक रिविजन हो गया आप सभी के लिए ना अब हमारे पास कुछ टर्मोलॉजीज है ये पूरा थ्योरटिकल पोर्शन है कि जी एंड वेलफेयर देखो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जब हम लोग नॉमिनल जी निकालते हैं है ना जहाँ पे हम करेंट ईयर के प्राइसेस पे जीडीपी वगैरह को सबको कैलकुलेट कर रहे हैं हम क्यों बोलते थे कि वो एक करेक्ट इंडिकेशन नहीं है वो हमें करेक्ट नहीं बताता रियलिटी चेक नहीं देता या नेम सेक के लिए फेस वैल्यू भी हमने पढ़ा था क्यों हमने ये सारी चीज़ें बोली थी बिकॉज जो नॉमिनल जी है हम करंट ईयर के बेसिस पर हमें कैलकुलेट करना हो कंपेयर करना हो करंट ईयर की ग्रोथ को फिर तो ठीक है लेकिन लॉन्ग टर्म ओवर द पीरियड कितनी ग्रोथ हुई है उसमें वो करेक्ट इंडिकेशन क्यों नहीं देता बिकॉज उसमें इन्फ्लेशन का दिक्कत रहती है मतलब प्राइजेस हमारे बढ़ गए हैं इसलिए हमें लगता है कि हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन भी बढ़ गया बिकॉज हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आ रहा है वो तो बहुत ज़्यादा आ रहा है सो दैट इज वाई फील कि हाँ हमारा बहुत अच्छे से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है लेकिन रियल ग्रोथ कितनी हो रही है रियल इकोनॉमिक मीटर कितना हमारा बढ़ रहा है उसको जज करने के लिए हमें रियल इनकम पे कैलकुलेट करना पड़ेगा मतलब बेस ईयर के प्राइसेस पे कैलकुलेट करना पड़ता है व्हाट इज़ द बेस ईयर which is the base year for us that is 2011 in 2012 so hopefully that is done तो थोड़ा रिवाइंड आया क्या क्या हम पढ़ चुके हैं क्लियर हुआ हुआ सारी चीज़ें तो क्विकली हमें इसको फिनिश करना है रीड करना है बहुत छोटा सा है हमारा ये टॉपिक है तो सबसे पहले हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी जीडीपी का क्या फुल फॉर्म होता है सबसे पहले मुझे आप लिख के बताओगे पिछले वाली क्लास में भी मैंने पूछा था डिस्कस किया था तो अब तो इसका प्रोग्राम आपको मतलब आना चाहिए राइट सो जी का मतलब अगर मैं बताऊँ आपको अ हायर जी डी पी कैन लीड टू ग्रेटर इनकम इन इक्वालिटीज़ इफ द इंक्रीज इन जी डी पी बेनिफिट्स द वेल्दी मोर देन द पुअर द इनकम गैप

एक तरीके से सोशल सर्विस की तरह उनको वेलफेयर की तरह हमारे हर एक लोग को देखना है कि सबका डेवलपमेंट हो एज एन सब लोग डेवलप करें सो वी कैन से गवर्नमेंट इज वर्किंग द द वेलफेयर वेलफेयर ऑफ पीपल सो तरीके से पॉजिटिव इंडिकेशन है कि हम चाहते हैं कि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जैसे कि अगर हमारा मोस्ट ऑफ द पीपल अगर बिलो पॉवर्टी लाइन है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसे सभी को हम लोग उस लाइन के पार लेके आए वेयर ऑल पीपल अर्न अ गुड अर्निंग और एटलीस्ट अपना वो दिन की दो वक्त की रोटी चैन से खा पाए राइट तो हम इस चीज के लिए वर्क करते हैं अब मैं जैसे कि बोल रही हूँ थ्रू आउट अगर मैं बात करती हूँ हमारा जी का अगर मैं स्केल देखूँ तो हमेशा ग्रो हो रहा है जीडीपी हमारी बढ़ रही है तो क्या जी बढ़ रही है इसका मतलब ये है कि लोग गरीब होना बंद हो गए नहीं ना उसमें तो हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा तो अगर जस्ट बिकॉज मेरी जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग बढ़ रहे हैं या सबके पास इक्वल पैसा जा रहा है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की कि जीडीपी बता रहा है कि हाँ आपका तो इतना इनकम लेवल बढ़ रहा है आपका इतना ग्रोथ हो रहा है तो क्या वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सब में नहीं ना क्या हो रहा है बल्कि अमीर और अमीर होते चले जा रहे गरीब और गरीब होते चले जा रहे तो जो गैप है दोनों के बीच में वो एक तरीके से बढ़ रहा है तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि अगर जी हमारा बहुत अच्छा बढ़ रहा है तो ये मतलब वेलफेयर ऑफ़ द पीपल से कनेक्टेड नहीं है सो इट डजेंट मैटर कि जी बढ़ रहा है उसका डायरेक्ट कनेक्शन वेलफेयर ऑफ़ द पीपल से नहीं है बिकॉज एक तरीके से जो इनकम इन है है ना बिटवीन द रिच एंड द पुअर उसका जो गैप है वो एक तरीके से बढ़ रहा है तो उसको हमें ब्रिज करने के लिए कुछ चीज़ें करनी रहेंगी दैट इज़ वाई स्कीम्स लेके आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती है सारी चीज़ों को देखती है कि ठीक है एजुकेशन में इतना परसेंटेज देना है हेल्थ में इतना परसेंटेज देना है तो उसके थ्रू गवर्नमेंट एक तरीके से इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करने की कोशिश करती है बट वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स जस्ट बिकॉज अगर हमारा जी बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई इंसान इंडिया में अमीर हो रहा है बल्कि रियालिटी क्या है अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब और गरीब हो रहा है एंड मिडिल क्लास तो बीच में फंसे ही हैं राइट सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि हायर जी कैन लीड टू ग्रेटर इनकम इन इक्वालिटी इन इक्वालिटी मतलब

सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस नॉन मॉनिटरी मतलब ऐसी चीज़ों जिसको हम मनी के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते वो क्या है क्वालिटेटिव इन नेचर है और मॉनिटरी क्या होता है क्वांटिटेटिव इन नेचर जिसको हम जज कर सकते हैं जैसे कि डेटा हो गया नंबर्स हो गया तो अगर नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस की अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स मनी वैल्यूएबल एक्टिविटीज़ लाइक हाउस होल्ड वर्क वॉलेंटियर सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द जी डी पी बट दे आर इन्वॉल्व इन द वेलफेयर देखो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल मैं देती हूँ जैसे कि आर मदर्स राइट या हमारे जो आपके हाउस वाइफ्स वगैरह जितने भी हैं दो वर्क एट होम दे आर वर्किंग लेकिन उसके लिए उनको पे नहीं मिलता है राइट right? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका वेलफेयर में कुछ है ही नहीं योगदान बल्कि उनका सबसे ज़्यादा योगदान है आप मैं दस वर्क डे एंड नाइट ना घर का पूरा काम करना सारी चीज़ें देखना हर एक चीज़ों को कैलकुलेट करना लेकिन उसके बाद उनको उसका कोई पेमेंट नहीं मिलता इनफैक्ट उनको ये स्टेटमेंट सुनने को मिलता है कि आप घर पर करते ही क्या हो बट यू डो नॉट अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि अगर वो नहीं होंगे तो चीज़ें कितनी डिफिकल्ट हो जाएंगी हम सबके लिए तो वो हमारे लिए एक बेस बनाते कि हम लोग बाहर जाके काम कर पाए तो उस चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं क्यों बिकॉज उसको हम मॉन्ट्री टर्म्स में जज कर ही नहीं सकते उस चीज़ की कोई मॉन्ट्री वैल्यू है ही नहीं पैसे के उसमें हम लोग उसको तोल ही नहीं सकते भाई तो वो सारी चीज़ें क्या होती है क्या वो वेलफेयर में डेवलपमेंट नहीं है क्या वो बिल्कुल वेलफेयर में हमें एक तरीके से मोटिवेट करते हैं उसका योगदान वेलफेयर में डेफिनेटली है लेकिन उन सारी चीज़ों को तो हम जी में कैलकुलेट करते ही नहीं है वाई बिकॉज उसका कोई नॉ एक मार्केट वैल्यू में उसका कैलकुलेट नहीं कर पाते बट इट डजेंट मीन कि उनका जो हार्डवर्क है उनका जो सेक्रीफाइस है उनका जो पेशेंस है हमारे लिए हमारे करियर को लेकर वो कम है बल्कि वो बहुत वैल्यूएबल है और असली डेवलपमेंट और वेलफेयर हर एक इंडिविजुअल का उसी से होता है सो वी शुल रिस्पेक्ट आर मदर्स फॉर देट है ना रिस्पेक्ट आ पेरेंट्स फॉर देट जो भी हमारे लिए काम कर रहे हैं कोई अर्निंग मोटिव से नहीं कर रहे जिससे कि हम कहीं काम करते हैं हमें सैलरी मिलती है उस मोटिव से हम करते हैं लेकिन आप मदर्स हो गया जो भी वॉलेंटियर सर्विस जो हम करते हैं कि हम खुद से वॉलेंटियर करके फ्री ऑफ कॉस्ट कोई काम कर रहे हैं किसी की सेवा कर रहे हैं किसी की हेल्प कर रहे हैं चैरिटी करें रहे कर हैं ये सारी चीज़ एक तरीके से बताता है दैट दीज थिंग्स एक्चुअली एड टू द वेलफेयर ऑफ द कंट्री राइट भले हम इसको कैलकुलेट करके लिख नहीं सकते लेकिन इनका भी उतना ही योगदान है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ़ द पीपल सो वी कैन से दैट नॉन मॉनिट्री एक्सचेंजेस की अगर मैं बात करूँ मैनी वैल्यूएबल एक्टिविटीज लाइक हाउस होल्ड वर्क एंड वॉलेंटियर सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन द जी बिकॉज दे डो नॉट हैव एनी मॉन्ट्री वैल्यू बिकॉज उसको मॉन्ट्री टर्म्स में लोग रिकॉर्ड कर नहीं सकते तो कहाँ से इंक्लूड करेंगे राइट right? so, well तो दिस एक्टिविटी एनहेंस वेलफेयर बट देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम जी डी पी मीस दट जी डी पी माइट नॉट फुल रिफ्लेक्ट द एक्चुअल इकोनॉमिक वेलफियर ऑफ द पीपल तो मैं ये बोल सकती हूँ अगर ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं हो रही है मतलब कहीं ना कहीं जीडीपी का अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा ये नहीं बोल सकते कि वेलफेयर ऑफ द पीपल आपको वहां पे देखने को मिल रहा है क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज भी कहीं ना कहीं हमारे वेलफेयर ऑफ द पीपल में कैलकुलेट नहीं हो रही है लेकिन कॉन्ट्रीब्यूट तो करती हैं तो जीडीपी करेक्ट इंडिकेशन नहीं हो सकता कि हमारा अच्छे से वेलफेयर हो रहा है कि नहीं तो अभी हमने दो पॉइंट्स पढ़े कौन कौन से पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि भाई जी अगर ज्यादा बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सबके पास पैसा आ रहा है पहला पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट हो गया कि जीडीपी में हम लोग नॉन मॉनिट्री वैल्यूज़ को तो कंसीडर करते ही नहीं है जैसे कि हमारी मम्मी हमारी जो काम करते हैं हमारे पेरेंट्स जो विदाउट एनी किसी मनी के काम कर रहे हैं हमारे लिए जो हमारी हेल्प कर रहे हैं या वॉलेंटियर वर्क हम जो कर रहे हैं ये तो इंक्लूड होता ही नहीं है पर इसका मतलब ये थोड़ी कि वेलफेयर नहीं हो रहा राइट सो दैट इज़ इन दोनों पॉइंट्स हम क्या समझते हैं कि जी और वेलफेयर दोनों थोड़े डिस्टिट टर्म्स हैं राइट चलो आगे की और कहानी पढ़ते हैं नेक्स्ट वी हैव इज चेंज इन प्राइजेस तो जी डी पी माइट इंक्रीज बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्राइज रेदर देन एन इंक्रीज इन द क्वान्टिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इफ द इन्फ्लेशन इज द कॉज ऑफ जी डी पी ग्रोथ इट डजन नेसेसरी मीन दैट पीपल्स वेलफेयर हैज़ इम्प्रूवड एज देयर परचेजिंग पावर मे नॉट हैव इंक्रीज परचेजिंग पावर मतलब एक तरीके से आपके जेब में कितना पैसा है है ना तो वो तो इम्प्रूव नहीं हो रहा है बढ़ रहे तो प्राइजेस बढ़, तो बढ़ रहे तो आपको अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है है ना जैसे कि कोई चीज़ अगर पहले सौ रुपये की मिल रही थी आप दो चीज़ बेचे तो दो सौ रुपये हो गए अब वही चीज तीन सौ रुपए की एक मिल रही है तो आप दो चीज खरीद रहे हो है ना तो कितने की हो गए छह सौ रुपए की अब आप बोल रहे हो डेवलपमेंट हो गया भाई डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो चीज महंगी हो गई तो डाटा से उसका प्राइस आपको ज्यादा दिख रहा है दाम आपको उसको ज्यादा दिख रहा है तो उसका ऑफकॉर्स कैलकुलेशन भी ज्यादा आएगा तो आपको लग रहा है कि हमारी ग्रोथ हो गई तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज चेंज इन प्राइस को जो इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है उसको तो कंसिडर आपने किया ही नहीं बिकॉज प्रोड्यूस इफ इन्फ्लेशन इज द कॉज ऑफ जी डी पी ग्रोथ तो ग्रोथ सही हो नहीं सकती इसलिए हम हमेशा क्या बोलते हैं भाई कि रियल जी डी पी निकालो नॉर्मल जी डी पी नहीं राइट नेक्स्ट है हमारे पास जो पॉइंट नंबर फोर्थ आता है हमारे पास एक्सटर्नलिटीज इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स सबसे पहले पॉजिटिव वाला पॉइंट पढ़ेंगे दीज आर द बेनिफिट्स फ्रॉम एक्टिविटीज़ दैट पीपल इंजॉय विदाउट पेइंग फॉर देम फॉर लाइक पब्लिक पार्कस सच एज बेनिफिट्स इंक्रीज वेलफेयर बट नॉट इंक्लूडेड इन द जी देखो पॉजिटिव पॉइंट देखिए जैसे कि पब्लिक पार्कस बनते हैं हम लोग वहाँ जाते हैं वर्कआउट वगैरह करते हैं योगा वगैरह करते हैं वी रिलैक्स हुआ दे तो ये सारी भी चीज़ें हमारे वेलफेयर और वेलबीन well के लिए जरूरी है बट ये जी में इंक्लूड नहीं होती ये पॉजिटिव साइन था सिमिलरली नेगेटिव वाले पार्ट को अगर हम देखते हैं दीज द हार्म्स कॉज बाय द एक्टिविटीज लाइक पोल्यूशन अब पोल्यूशन को तो हम जीडीपी में नहीं कर रहे हैं लेकिन उससे हमारा कहीं ना कहीं प्रोडक्शन इफेक्ट तो हो रहा है वेलबीन इफेक्ट तो हो रहा है लेकिन उसको हम बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहे तो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है सो दीज हार्म्स डिक्रीज वेलफेयर बट आर इन डिडक्टेड फ्रॉम द जी यानी डिडक्टेड मतलब माइनस नहीं होते सप्ट्रैक्ट नहीं होते पोटेंशियली ओवर द ट्रू वेलफेयर तो ये सारी चीज़ें हमारे वेलफेयर को इफेक्ट कर रही है लेकिन ये जी में नहीं है बेसिकली स्टूडेंट्स ये वाले पार्ट में हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो जीडीपी दिखाता है जो असली में वेलफेयर है क्या दोनों में के बीच में सिमिलैरिटीज़ है या दोनों बहुत अलग टर्म्स है उस चीज को हम जज कर रहे हैं फाइन नेक्स्ट जो हमारे पास आता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उसको भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं सो अ कंट्रीज पॉपुलेशन ग्रोज फास्टर दैन इट्स जी डी द जी पर कैपिटल दैट इज एवरेज इकोनॉमिक इनकम आउटपुट पर पर्सन डिक्रीजेस ये तो हमारे साथ सबसे बड़ा कॉज है भले किसी चीज़ में डेवलपमेंट ना हो पर पॉपुलेशन में हम लोग वी आर ग्रोइंग एट फास्टर रेट सो क्या होगा पॉपुलेशन रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पर कैपिटल जो जी है वो तो फिर भी डिक्रीज हो रहा है तो so, कहीं ना कहीं जी बढ़ने के बाद भी उसका वैल्यू उतना नहीं रहेगा बिकॉज देर इज सो मच पॉपुलेशन सो दिस मीन्स फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज विल बी अवेलेबल पर पर्सन तो फिर हमारे यहाँ तंगी हो जाएगी सो विच कैन लोअर ओवरऑल वेलफेयर डिस्पाइट अ राइजिंग जीडीपी तो उस केस में भी दिक्कत है भले आप जीडीपी तो अच्छे से बढ़ा रहे हो लेकिन पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो क्या होगा फिर बट बटा के हमारे पास कुछ नहीं बचेगा सो दैट इज हैपन दिस विल नॉट रिजल्ट इन एनी ग्रोथ सो ये भी बिल्कुल करेक्ट हमारा इंडिकेशन नहीं होने वाला है क्लियर आपको क्लियर हुआ पॉइंट सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था हमने स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी जिसमें हमने इनकम की बात करी थी कि भाई अमीर अमीर होता जा रहा है गरीब गरीब होता जा रहा है सेकंड क्या था कुछ ऐसे टर्मोनोलॉजीज ऐसे भी हमारे पास वैल्यूज़ वगैरह रहते नॉन मॉन्टरी टर्म्स में जो इंपॉर्टेंट है जो वेलफेयर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं लेकिन हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते मनी के टर्म्स में इसलिए जी में इंक्लूड नहीं हो सकता राइट सेकेंड जो हमने पढ़ा था चेंजेस इन प्राइजेज अगर इन्फ्लेशन के चक्कर में प्राइजेज बढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन के चक्कर में अगर महंगाई बढ़ रही है और टोटल आपका जो आउटपुट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तो वो रियल इन्फ्लेशन की रियल आपका नेशनल इनकम नहीं है एक तरीके से रियल आपका जीडीपी नहीं है और नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नलिटीज़ हमने पढ़ा था कि एक पॉजिटिव होती है नेगेटिव पॉजिटिव क्या है जैसे कि पब्लिक पार्क्स हो गए है ना अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह हो गए जहाँ पे यू फील बेटर यू फील गुड हम जा सकते हैं आराम से वो सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती नेगेटिव क्या है भाई जैसे कि पोल्यूशन हो गया ये सारी चीज़ें और लास्ट में हमने पढ़ा था अभी पॉइंट पॉपुलेशन अगर ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला फाइन सो so, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं क्या जीडीपी और वेलफेयर एक चीज है क्या जीडीपी और वेलफेयर रिलेटेड है कि नहीं ये सारी चीजों को हमें फिगर आउट करना रहेगा राइट right? तो सबसे पहले कंक्लूजन पढ़ने से पहले, पहले स्टूडेंट सबसे पहले ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीन लो जल्दी से डन अब इसका भी आप स्क्रीन लो देखो आपको ना ऐसे पूछ सकते हैं नॉर्मली इस इसपे क्वेश्चन एज अ शॉर्ट फॉर्म आ सकता है कि कमेंट जीडीपी एंड वेलफेयर आर रिलेटेड और नॉट इस जी डी पी इज द करेक्ट इंडिकेशन ऑफ वेलफेयर इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं राइट टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस वन इस वन कोई डाउट बहुत छोटा सा ही पोर्शन है स्टूडेंट ज़्यादा इसमें कवर करने को नहीं है एक थोड़ा बस इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है कि अभी तक जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में जीडीपी का और वेलफेयर का दोनों चीज़ें रिलेटेड है कि नहीं है ना तो कंक्लूजन क्या है स्टूडेंट्स जी डी पी इज परफेक्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर तो परफेक्ट मेजर नहीं है ड्यू टू द रीजन मैंशन अबव तो सारे रीजन अभी जो हमने पढ़े पाँच क्वेश्चन पाँच रीजन्स वो पूरे के पूरे आपको एक तरीके से बताते हैं कि भाई जी डी पी वो वेलफेयर रिलेटेड है कि नहीं फाइन सम इकोनमिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स एडवोकेट फॉर मेजर्स लाइक ग्रीन जी एन पी ओके विच एडजस्ट नेशनल इनकम फॉर द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन ग्रीन जी डी पी एम्स टू प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट एंड सस्टेनेबल मेजर ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू फाइन टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द ग्रीन जी एन पी ओके ओके स्टूडेंट्स कि जो ये वाला टॉपिक है ना ग्रीन जीएनपी वाला ये अभी लेटेस्टली एक तरीके से हमारे सिलेबस में आया है तो अभी मैं इसका कुछ बोल नहीं सकते कि भाई इसके चांसेस आने के हैं कि नहीं है क्योंकि बहुत छोटा सा ये टॉपिक है सो दैट इज़ वाई आई एल सी दैट कि एटलीस्ट एक क्विक रिव्यू आप उसको एक ले लो है ना इन केस अगर आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में तो नहीं आएगा ये डेफिनेटली लेकिन अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ गया तो यू शुड नो वॉट इज़ इट फाइन सो विल स्टडी अ वेरी क्विक जस्ट टू थ्री स्लाइड्स फॉर ग्रीन जी क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं तो सुनना है हमें सबसे पहले कि जीडीपी हमने पूरा पढ़ लिया व्हाट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसका वेलफेयर से क्या रिलेशन है क्या रिलेशन नहीं हमने देखा कि ज़रूरी नहीं कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर भी बढ़ रहा हो फाइन सो दैट इज़ वाई कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं ना उसके लिए एक कॉन्सेप्ट लेके आए कि ठीक है ग्रीन जी करके भी कुछ होना चाहिए जहाँ पर हम चीज़ों को फिगर आउट करें फ्रॉम एन्वायरमेंटल परस्पेक्टिव और कौन कौन सी चीज़ें लेट्स गो थ्रू इट सबसे पहले क्या है मोनिटाइजेशन ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी सेकेंड इज अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट कॉस्ट बाय क्लाइमेट चेंज मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसान हमें झेलने को मिल रहा है एक तरीके से ऑफकोर्स हम इसको डायरेक्टली इंक्लूड नहीं करते जी डी पी हम कैलकुलेट करते राइट स्टूडेंट्स लेकिन क्या ये सारी चीज़ें हमारे प्रोडक्शन लेवल को इम्पैक्ट नहीं करती हैं करती हैं है ना जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है इट डज अफेक्ट अ प्रोडक्शन लेवल ऑल्सो एंड दैट इज वाई इसलिए बोला गया है कि इसको भी आपको अकाउंटिंग में जरूर लेना चाहिए नेक्स्ट वी आप इस अपट्रैक्टिंग रिसोर्स डिप्लीशन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल जी डी पी फिगर्स मतलब इन्वायरमेंटल परस्पेक्टिव से भी आपके जी में चीज़ों को इंक्लूड करना जरूरी है फाइन लास्ट वी हैव इज हेल्पिंग टू मैनेज बोथ इकोनॉमीज एज वेल एज रिसोर्सेज ताकि हम साथ साथ में अपना जी डी पी और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ भी इन्वायरमेंटल परस्पेक्टिव के थ्रू भी सारी चीज़ों को वेल हैंडल कर पाएँ फाइन नेक्स्ट वी हैव इज ग्रीन जी डी पी डज नॉट इंक्लूड मतलब ये क्या चीज़ें इस पर मीन नहीं करती हैं फर्स्ट वी हैव मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट हम लोग फॉरेस्ट की कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं निकाल रहे हम यहाँ पे क्या बात करें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब जो बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है उसको आप अपने कंसर्न में लो कैलकुलेट में लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि भाई कितना फॉरेस्ट है उसको मॉनिटरी टर्म्स में आप निकालो फाइन नेक्स्ट वी हैव इज ग्रोथ ऑफ ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स इसका भी हम कुछ यहाँ पर कैलकुलेसन नहीं कर रहे ग्रीन इन्वेस्टमेंट इज़ अ टोटल डिफरेंट टर्मिनोलॉजी Fine. Next, we have now what is gross environmental product? तो इसको समझना है स्टूडेंट्स इट इज कंसिडर्ड एज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वैल्यू दैट द इकोनॉमिक सिस्टम और इको सिस्टम प्रोवाइड्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी नहीं पता हो, तो आप मुझे बताओ वट इज़ द मीनिंग ऑफ टू सस्टेन सस्टेन का मतलब क्या होता है किसी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप टिक जाओ है ना तो हमें ऐसा डेवलप करना है जो लॉन्गर समय तक चले अच्छा चले और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी हार्म ना हो कि हम सारे रिसोर्सेज अभी खत्म कर दें और उनके लिए कुछ बचे टारेक्लूडिंग प्रोविजन रेगुलेटिंग एंड कल्चरल इकोसिस्टम सर्विस तो हम यहाँ पर so यह बात कर रहे हैं कि जीडीपी में इकोनॉमिक्स में आपको इन्वायरमेंटल को भी एक जगह देनी चाहिए फाइन सबसे पहले स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ठीक है आप इसके सिर्फ इतने ही नोट्स बना लोगे ना इस पर्टिकुलर टॉपिक के दैट विल बी मोर इनफ़ इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट फाइन टेक अ ऑफ दिस वन ओके इसका भी जल्दी स्क्रीन शॉट ले लो आपको डेफिनेशन वगैरह सब आनी चाहिए डन ओके सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड वॉट इज ग्रीन जी डी पी हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर तो पढ़ लिया है ना अब ग्रीन जीडीपी क्या है उसको हमें फिगर आउट करना है सो द ग्रॉस और द ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वेयर द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ दैट ग्रोथ आर फैक्टर्ड इन द कन्वेंशनल जी ऑफ अ नेशन क्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इज एन असेसमेंट सिस्टम टू मेजर द इकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ अ रीजन एंड इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ग्रीन जी अब देखो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि इससे ना हो सकता है आपको फुल फॉर्म्स वगैरह पूछ ले इनसे में तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी चीज़ आई अभी एक तो हमारे पास आया सीईपी -E जिसको हम बोलते हैं क्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट सो वॉट इज सीई पी स्टूडेंट सीई पी इज बेसिकली क्रॉस एनवायरमेंट एंड देन वी हैव प्रोडक्ट ठीक है इसके फुल फॉर्म्स वगैरह ज़रूर ध्यान में रख लेना ठीक है जी ग्रीन जी तो आप लिख ही सकते हो तो उसमें कोई डाउट नहीं है आपको ये समझना है अगर ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं कैसे है, एक इंडेक्स है इकोनॉमिक ग्रोथ का जहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस को भी कंसिड्रेशन लेते हैं हमारे कन्वेंशनल मतलब जो चला आ रहा है कन्वेंशनल का मतलब होता है समथिंग विच इज गोइंग ऑन लाइक दैट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम तो जो जी हम कैलकुलेट करते हैं कन्वेंशनल सेंस में उसमें भी हमें इन्वायरमेंटल कॉज को ऐड करने की ज़रूरत है क्लियर हुआ स्टूडेंट्स चलो तो सबसे पहले ना आप ये वाला फुल फॉर्म जरूर लिख लेना अपनी कॉपी में बिकॉज यू नेवर नो कि आप लोग को फुल फॉर्म्स वगैरह भी एन में वो पूछ ले क्लियर जल्दी से इसका भी स्क्रीन ले लीजिए ये कुछ नया कॉन्सेप्ट जैसा है बस आपको ये समझना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीन जीडीपी डी बेसिकली कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसिस को भी हम लोग एक तरीके से हमारे जीडीपी में कैलकुलेट करें कि इकोनॉमिक में क्या हमारे जो एनवायरमेंटल चीज़ें जो हो रही हैं उससे इकोनॉमिक्स को रिलेट करके हमें चीज़ों को कंसर्न में लेना पड़ेगा क्लियर ओके okay. so what is cep students cross environmental product it is an assessment system to measure the economical status of a region and is one of the components of green gdp clear okay so this was all about this video students zadakpo green gdp छोटा सा ये पार्ट है जितने भी इसमें नोट्स हैं आप उतने बना लीजिए दैट विल बी मोर देन इनफ ठीक है उसके बाद हमने पूरे इस पर्टिकुलर वीडियो में समझा स्टूडेंट्स दैट व्हाट इज जीडीपी एंड हाउ जीडीपी एंड वेलफेयर आर रिलेटेड क्या जीडीपी का बढ़ना वेलफेयर का एक करेक्ट इंडिकेटर है कि नहीं तो आप भी मुझे अपने डेफिनेटली पॉइंट ऑफ व्यू अपने कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि देखो ये वाला जो पूरा पोर्शन अभी हमने पढ़ा है ना ये थोलोटिकल कॉन्सेप्ट से ज़्यादा थोड़ी सोचने वाली बात को है कि क्या आपको लगता है आप भी काफ़ी इकोनॉमिक्स सारी चीज़ों को एनालाइज करते होंगे कि इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है तो आपको लगता है क्या जो हम लोग को फिगर्स देखने को मिलते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इतना हो रहा है हमारा जी इतना बढ़ रहा है क्या आपको ग्राउंड लेवल पे लगता है कि सही में इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप मुझे बताइएगा ताकि मुझे ही पता चले कि आपका परस्पेक्टिव इकोनॉमिक्स को लेकर इंडियन इकोनॉमी को लेकर क्या है फाइन सो ऑन दैट नोट ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैन एंड्रेंस प्रोवाइड करता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन अगर सीबीएसई की बात करूँ तो किंडे गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक के सारे ही कोर्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वी ऑल्सो हैव हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस फ्रॉम क्लास सिक्स टू क्लास ट्वेल्थ और नॉट जस्ट फॉर सीबीएसई हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी फॉलो करते हैं जैसे कि डेली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एम बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड तो आपको तो सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है स्टूडेंट्स और सिर्फ बोर्ड्स वगैरह ही नहीं साथ में आप देख सकते हो वैदिक मैथ्स क्रैच कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं एंड ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिल जाएंगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन रहती है तो आप डेफिनेटली जाके एक बार जरूर चेकआउट करेगा और सिर्फ यूट्यूब पर ही हमें डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स में भी आपको फॉलो करना है ताकि कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल वी आर ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप्स वी हैव टू फॉलो अस देयर ऑल्सो ताकि कोई भी अपडेट कोई भी अपॉर्चुनिटी कुछ भी आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए ओके स्टूडेंट्स ऑन दैट नोट ये वीडियो यही खत्म होता है होपफुली आपको समझ आया हो सारी चीजें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग